सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लेट अस कंटिन्यू आवर टॉपिक। आई होप सो आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काफ़ी हद तक इंजॉय किया होगा, और आई होप सो जहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया हो वहाँ तक आपको पूरी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, आज एक हम नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मूविंग न्यूक्लियस कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल का ही देखो ये बेटा पार्ट है, बोर्स मॉडल का ये एक पार्ट है। कहने का मतलब समझो आप, देखो हमने बोर्स मॉडल में क्या माना था कि न्यूक्लियस एक सेंटर में रहता है, ठीक है, मतलब स्टेशनरी रहता है, और इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में उसके अराउंड घूमते रहता है। राइट, जस्ट वेट अ मिनट, ओके सॉरी टेक्निकल मिस्टेक। न्यूक्लियस सेंटर में रहता है और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते रहता है। तो व्हाट आई मीन टू से, अगर न्यूक्लियस मान लीजिए घूमने लगे, मतलब न्यूक्लियस इज नॉट एट रेस्ट, तब इस केस में सिनेरियो चेंज हो जाता है, और कभी कभी ये क्वेश्चन भी आए जाते हैं। बट ये जो लेक्चर होगा आज का, मैं ये कहूंगा कि वो नीट वाले बच्चों के लिए तो नहीं ही है। अगर आप पढ़ लोगे तो ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपको ये सब चीजें फिजिक्स में भी पढ़ना है, तो आप एक बार पढ़ लोगे यू विल गेट आइडिया। बट एडवांस वालों के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो जेई एडवांस एस्पिरेंट्स हैं मेरे, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस वगैरह में भी नहीं पूछा जाएगा। ये पर्टिकुलरली प्योरली एडवांस लेवल का ये है। अगर मूविंग न्यूक्लियस कॉन्सेप्ट की बात करूं तो समझो सिनेरियो कुछ इस तरीके से बनेगा हमारा। सपोज करो इलेक्ट्रॉन मेरा, सपोज करो यहां पे है ई, जिसका मैंने स्मॉल एम माना, ठीक है, और मान लो मेरा यहां पे न्यूक्लियस है जिसका कैपिटल एम मास है, ठीक है। ये अब इलेक्ट्रॉन जो है बेटा, इलेक्ट्रॉन किसके अराउंड घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। अब ये न्यूक्लियस है, क्योंकि इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ मूविंग न्यूक्लियस। मूविंग न्यूक्लियस, बात को समझिए, मतलब न्यूक्लियस यहां पे रेस्ट पे नहीं होगा। तो आप ये बोल सकते हो कि ये भी एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट के अलोंग, एक पर्टिकुलर पॉइंट के अलोंग। तो आई होप से यहां तक बात समझ में आई है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन ई था जिसका मास स्मॉल एम है, ये कैपिटल एम है, ये मास ऑफ न्यूक्लियस है। तो यहां तक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है थोड़ा बहुत सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास का बेटा बेसिकली एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे आप कॉपी घुमाते हो अपनी, ठीक है, आपने देखा होगा कई बच्चे बीच मिडिल उंगली में ऐसे कॉपी को रोटेट करते रहते हो, वो कैसे रोटेट हो जाता है कि उस पॉइंट पे, उस सर्कुलर, उस पॉइंट पे उस बॉडी का मास क्या हो जाता है, कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, मतलब एक ही जगह पे रहता है। तो अगर मैं बात यहाँ पे करूं इस तरीके से समझो बात को, कि आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वैसे तो आप डिटेल में फिजिक्स में पढ़ोगे, बट थोड़ा समझने की कोशिश करना आप यहाँ पे, कि अगर दो मास है यहां पे, दो बॉडी है अलग अलग मास का, दो बॉडी है अलग अलग मास का, तो हम ये मानते हैं कि किसी एक पॉइंट पे इस पूरे सिस्टम का मास कंसंट्रेटेड होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, दो बॉडी है अलग अलग मास का, ठीक है, और मान लेता हूं ये दोनों मूविंग बॉडी एक मेरे लिए सिस्टम है, दोनों मूविंग बॉडी मेरे लिए एक सिस्टम माना मैंने। और हम क्या ऑब्जर्व करेंगे यहां पे बेटा, कि यहां एक पॉइंट है ऐसा, जैसे सपोज करिए जो स्टार पॉइंट मैंने बनाया, ये वो पॉइंट है जो जहां पे इस सिस्टम का पूरा मास क्या है मेरा, कंसंट्रेटेड है। ये सिस्टम का पूरा मास क्या है, कंसंट्रेटेड है। लेट यहां से यहां का डिस्टेंस है R1, और यहां से यहां का डिस्टेंस है R2। यहां से यहां डिस्टेंस बेटा R1 हो गया, और यहां से यहां डिस्टेंस कितना हो गया, R2 हो गया। तो आई होप सो यहां तक सारी बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट आता है x बार इक्वल टू समेशन ऑफ एम आई एक्स आई बाय समेशन ऑफ एम आई। कहने का मतलब है कि व्हाट इज एक्स आई, एक्स आई का बहुत सा डिस्टेंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर सिलेक्टेड ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम अ पर्टिकुलर ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से उसका डिस्टेंस, पर्टिकुलर डिस्टेंस को ही हम एक्स बोलते हैं। तो अब यहां पे एक सपोज करो, मान लो मैंने इसी पॉइंट को क्या माना, ओरिजिन माना, ये पॉइंट मेरे लिए क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। अब सपोज करो यहां पे, अब कैसे निकालना है,
इस पॉइंट से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना आर वन, तो एक्स यहाँ पे मेरे लिए क्या हो गया आर वन। अब आपको आर वन की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे समझो बात को, ठीक है। समीकरण ऑफ एम आई एक्स आई मतलब एम वन स्मॉल एम का मास ओरिजिन से कितना है, व्हाट इज एक्स, एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ पर्टिकुलर मास फ्रॉम दैट ओरिजिन, ठीक है। एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ मास फ्रॉम दैट ओरिजिन, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, तो व्हाट इज द इस मास एम के बॉडी का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, इस मास एम बॉडी का ओरिजिन से डिस्टेंस जीरो, तो स्मॉल एम इनटू जीरो प्लस। अब आपके पास सेकंड मास कौन सा, कैपिटल एम है, द व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस मास फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से इस मास का डिस्टेंस वही तो एक्स होगा ना, ओरिजिन से उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। ओरिजिन से उस मास का पर्टिकुलर डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। अब इस मास एम का डिस्टेंस कितना होगा बेटा, यहां से जल्दी बोलिए कितना होगा, वेरी गुड, यहां से ओरिजिन का डिस्टेंस आर वन प्लस आर टू, तो मैं लिख सकता हूं आर वन प्लस आर टू डिवाइडेड बाय एम आई मतलब स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, तो ये जीरो हो जाएगा। दिस एम आर वन प्लस कैपिटल एम आर वन इज इक्वल टू एम आर वन प्लस कैपिटल एम आर टू, दिस और दिस कैंसिल, नाउ स्मॉल एम आर वन इज इक्वल टू कैपिटल एम आर टू। इस बात को याद रखिएगा, इक्वेशन वन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये मूविंग नॉकलीस कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट माना जाता है, तो यहां तक आपको बात समझ में आए, जिस पॉइंट जिस बच्चे को फिर से नहीं समझ में आएगी ये कॉन्सेप्ट कैसे किया, सपोज करो ये बहुत सारे पार्टिकल है मेरे पास अलग अलग मासेस के, मैंने एक पॉइंट ये माना, ये यहाँ पे कोई मास एम है, ठीक है, और ये मेरा सेंटर ऑफ मास है, यहाँ का डिस्टेंस सपोज करो आर है, तो अब मैं बोलूं जो आपने ये वाला जो कॉन्सेप्ट देखा मैंने कैसे किया, ये डिस्टेंस आर है तो आर बराबर कितना हो जाएगा, सपोज करो ये एम वन है तो ये ओरिजिन है, तो ये आर वन डिस्टेंस मतलब एम 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 वन इंटू आर वन प्लस एम टू, यहां से यहां का डिस्टेंस सपोज करो आर टू तो एम टू इंटू आर टू, कहने का मतलब समझ में आ रहा है, x is that point जहां से उस मास का ओरिजिन से आपको डिस्टेंस देखना है और उससे उसको मल्टीप्लाई कर देना, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। फिर से रिपीट कर रहा हूं, x is that distance मतलब जिस मास का आपको निकालना है उस मास का ओरिजिन से डिस्टेंस देखिए उसे मल्टीप्लाई करिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x, और सबको समेशन कर दीजिए डिवाइड बाय टोटल मास। यहां तक बात आपको समझ में आया, तो ये पहला इक्वेशन आपको समझ में आ गया होगा बेटा यहां तक, ठीक है, यहां तक सबको बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब मेरे बात समझिए आप, एक अब क्योंकि बात तो हम बोर्स मॉडल की कर रहे हैं, ठीक है, समझो बात को, क्योंकि अब हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये जो पॉइंट है, अब इसको मैं रब कर देता हूं ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब समझो बात को बेटा, ये जो पॉइंट है सेंटर ऑफ मास मेरा जो निकला इस सिस्टम का, वो सेंटर ऑफ मास है मेरा, मैंने ये माना कि इट इज रेस्ट, इट इज एट रेस्ट, वो सेंटर ऑफ मास पॉइंट मेरा क्या है, इट इज एट रेस्ट। क्यों माना, देखो हर सिस्टम का अपना एक सेंटर ऑफ मास होता है, अगर सेंटर ऑफ मास मूवमेंट करेगा मतलब पूरा बॉडी मूवमेंट करता है, ठीक है, तो लेकिन मेरा न्यूक्लियस मूवमेंट कर रहा है, तो न्यूक्लियस अब मेरा सेंटर ऑफ मास हम नहीं एग्जिस्ट कर सकता, क्यों, आपको याद होगा बोर मॉडल में मैंने फिर से आपको रिपीट किया था कि हमेशा न्यूक्लियस सेंटर रेस्ट पे रहता है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसके अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में, टू डायमेंशनल ज्योमेट्री होती थी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस भी घूम रहा है इलेक्ट्रॉन भी घूम रहा है, इन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे इन दोनों मूविंग बॉडी का मास क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा, तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई है, ठीक है। अब मैंने ये माना कि इलेक्ट्रॉन इस सेंटर ऑफ मास के अलोंग घूम रहा है और न्यूक्लियस भी इस सेंटर ऑफ नहीं सॉरी इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, न्यूक्लियस के अराउंड, और ये और न्यूक्लियस इस सेंटर ऑफ मास के अलोंग घूम रहा है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। तो या फिर हम सॉरी आप बेटर यही समझो कि सेंटर ऑफ मास मेरा रेस्ट पे, तो ये इसके अलोंग घूम रहा है और ये इसके अलोंग घूम रहा है, मतलब सेंटर ऑफ मास सेंटर पे है, फिर से रिपीट कर रहा हूं डोंट फॉरगेट, सेंटर इलेक्ट्रॉन जो है वो भी सेंटर ऑफ मास के अलोंग घूम रहा है और न्यूक्लियस भी सेंटर ऑफ मास के अलोंग घूम रहा है, यहां तक बात क्लियर हुई, क्या क्लियर हुई, क्या समझा, जो सेंटर ऑफ मास मैंने निकाला उसको मैंने सेंटर पे मारा, इलेक्ट्रॉन भी उसके अराउंड घूम रहा है, न्यूक्लियस भी उसके अराउंड घूम रहा है, तो यहां तक बात क्लियर हो गई, सेंटर ऑफ रेस्ट से मैंने क्या बोला, सेंटर ऑफ मास हमने रेस्ट पे मारा, यहां तक बात क्लियर, ठीक है चलो। अब यहां पे क्या होगा, क्योंकि एक मूविंग पार्टिकल है
तो मैंने ये माना कि इसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो बाहर की तरफ लगेगा, तो स्मॉल m v1 स्क्वायर बाय r। अब यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है इसका, r1 है, तो r1 मैंने माना क्योंकि सेंटर तो मेरा इसके लिए कितना होगा, r1 डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। क्योंकि बोर में क्या लगता था, याद करिए बोर मॉडल में मैंने बताया था कि सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर होगा। तो आगे से बात अंदर की तरफ कौन सा लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हमेशा उसको हम क्या लिखेंगे, के जेड ई स्क्वायर बाय, अब ये डिस्टेंस कितना होगा, आर वन प्लस आर टू, मतलब आर डिस्टेंस पे आर स्क्वायर। तो यहां तक बात आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो क्या मैं एम वी वन स्क्वायर को लिख सकता हूं के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर वन, यहां तक बात आपको क्लियर हो गई है बेटा, ठीक है। अगेन ये भी मेरा न्यूक्लियस है तो इसका भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगेगा, ठीक है। तो इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा, एम वी टू स्क्वायर माना बाय, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है, वेरी गुड आर टू है, तो ये भी किसके बराबर होगा, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोर्स के थ्योरी के अकॉर्डिंग बराबर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कैपिटल एम वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू आर टू। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होंगे, ठीक है। अब यहां से मैं काम कर सकता हूं, मैं ये कर सकता दोनों तरफ हाफ मल्टीप्लाई कर दू, तो हाफ एम वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के जेड ई स्क्वायर बाय टू आर स्क्वायर आर वन, और ये भी कितना आ जाएगा, हाफ एम कैपिटल एम वी टू स्क्वायर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाय टू आर स्क्वायर इंटू आर टू। तो ये अगेन काइनेटिक एनर्जी का आपको क्या मिल चुका है, वैल्यू मिल चुका है। आपको बात समझ में आ रही है बेटा, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां से आपको क्या मिल चुका है, आपको काइनेटिक एनर्जी मिल चुका है। तो यहां तक बात क्लियर हो चुकी होगी, दिस इज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, के जेड ई स्क्वायर बाय टू आर स्क्वायर इंटू आर वन प्लस, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस कितना निकला मेरा, न्यूक्लियस कितना होगा, के जेड ई स्क्वायर बाय टू आर स्क्वायर इंटू आर टू। देन व्हाट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी, अगेन टोटल काइनेटिक एनर्जी मेरा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। तो दोनों को मैं ऐड कर दूं तो क्या के जेड ई स्क्वायर आर वन प्लस आर के जेड ई स्क्वायर बाय टू आर स्क्वायर कॉमन चला जाएगा और आर वन प्लस आर टू। लेट अब यहां पे मैं सॉरी एक मिस्टेक कर दिया मैंने यहां पे कि आर मेरे लिए क्या है, आर बराबर होगा आर वन प्लस R2 हो जाएगा, क्योंकि देखो आप ये जो R जिसको कंफ्यूजन हुआ भी होगा तो आप समझे बात को, क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच, और इसका टोटल डिस्टेंस मैंने कितना माना, R माना, दैट इज R1 प्लस R2। तो जिसको नहीं समझ में आएगा अब आपको क्लियर हो गया होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां से मैंने मुझे क्या निकाला, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ न्यूक्लियस, तो वो गेन फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा, तो mv2 स्क्वायर बाय r2। तो यहां से मैंने दो वैल्यू निकाली, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आप ये गौर करोगे r1 plus r2, और r1 plus r2 किसके बराबर है, r के बराबर, दिस और ये का कैंसिल, देन टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना आ रहा है आपके पास, बोलो बच्चों टोटल काइनेटिक एनर्जी आ रहा है के जेड ई स्क्वायर बाय 2r। अब आपको क्लियर हुआ, सी इट इज प्रीवियस वैल्यू जो हमने पहले जो बोर जब न्यूक्लियस को एट द रेस्ट माना था तो भी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही थी, यही आती है। नाउ पोटेंशियल एनर्जी की बात करो तो अगेन कितना हो जाएगा, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर, दिस इज व्हाट योर पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज द टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ई एन जो हो जाएगा आपका, टोटल एनर्जी टी ई मान लेते चलो, तो ये हो जाएगा माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय 2R। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई है प्यारे बच्चों कि मैंने आपको क्या कराने की कोशिश की है, ठीक है। अब आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो इन दोनों से आप ये कर सकते हो, ये दोनों इक्वेशन बराबर है, तो यहां से एक आपका ये तो आपका दूसरा इक्वेशन बना, तीसरा इक्वेशन आपका क्या बन सकता है, एम वी वन स्क्वायर बाय आर वन इक्वल टू कैपिटल एम वी टू स्क्वायर बाय आर टू। तो ये आपका क्या बन रहा है, तीसरा इक्वेशन, कैसे,
क्योंकि दोनों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है, तो इसको यहां यहां पे मुझे करना चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा इसको बाद में भी करें तो ऐसे ऐसे खर्च वाली बात नहीं है, तो इन दोनों को मैं बराबर कर सकता तो मुझे ये नया इक्वेशन भी मिल सकता है। तो मैंने यहाँ टोटल एनर्जी निकाल ली, पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली और एक ये नया इक्वेशन निकाला। अब आखिर इसका मतलब क्या होता है समझो बात को, ठीक है? अब देखो बात को समझना कि दोनों इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस जो है रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है? लेकिन बोर के अकॉर्डिंग क्या था कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है, ठीक है? समझना बात को थोड़ा। और बोर ने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या दिया था आपको याद होगा, हाँ वेरी गुड, क्या दिया था? एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज, राइट, वेरी गुड, एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज, मतलब यहां पे होगा mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई दिया था, लेकिन वो कब दिया था? जब न्यूक्लियस रेस्ट पे है, ठीक है? लेकिन किसी के अलोंग तो घूम रहा है ना, तो अब यहां पे कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है? अब यहां पे टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज रहेगा, क्या रहेगा? टोटल एंगुलर मोमेंटम विल बी क्वांटाइज। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि टोटल, क्योंकि ये सारे डेरिवेशन बोर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, वहां पे सिर्फ एंगुलर मोमेंटम बोला था क्योंकि यहाँ पे दो बॉडी घूम रहा है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अकॉर्डिंग, तो दोनों का अपना अपना एंगुलर मोमेंटम होगा, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम उस पूरे सिस्टम का क्वांटाइज रहेगा। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई? तो टोटल एंगुलर मोमेंटम शुड बी क्वांटाइज। आई बात समझ में आते आपको? तो टोटल एंगुलर मोमेंटम आपके लिए क्या हो जाएगा? m1v1r1 plus small m v1r1 plus capital m v2r2 is equal to nh upon 2pi is equal to nh upon 2pi। यहां तक आपको बात समझ में आ गए होंगे? तो देखो पहले, ओके, नाउ हमें पता है कि टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होना चाहिए, ठीक है? क्यों क्वांटाइज है? देखो वहां पे जब न्यूक्लियर मेरा स्टेशनरी ऑर्बिट पे था तो हमें पता था कि न्यूक्लियर जब स्टेशनरी ऑर्बिट पे था तो सिर्फ एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन भी सेंटर ऑफ मास के अलोंग घूम रहा है और न्यूक्लियस भी सेंटर ऑफ मास के अलोंग घूम रहा है, तो इस वजह से पूरे सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होना चाहिए। तो बेटा ध्यान से समझो यहाँ पे, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम में बोल सकते स्मॉल एम वी वन आर वन इक्वल टू कैपिटल एम वी टू आर टू इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, और ये पहले इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, स्मॉल एम इक्वल टू कैपिटल एम आर टू जो मैंने पहला इक्वेशन निकाला था। अब स्मॉल एम आर वन को अगर मैं लिखता हूं, लेट्स से स्मॉल एम आर वन को मैं लिखता हूं कैपिटल एम आर टू वी वन प्लस एम वी टू आर टू इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। नाउ डू यू गेट इट कि एम आर टू कॉमन लिया तो वी वन प्लस वी टू बराबर क्या होगा? एन एच अपॉन टू पाई। तो वी वन प्लस वी टू बराबर किसके हो जाएगा? एन एच अपॉन टू पाई कैपिटल एम आर टू। सिमिलरली क्या वी वन प्लस वी टू मेरा इसके बराबर आएगा? एन एच अपॉन टू पाई स्मॉल एम आर वन, क्योंकि अगर आप एम कैपिटल एम आर टू की जगह स्मॉल एम आर वन लिखोगे तो इक्वेशन आपको ये मिलेगा, और अगर स्मॉल एम आर वन की जगह कैपिटल एम आर टू लिखो तो आपको इक्वेशन ये मिलेगा। तो मैं बोल सकता हूं कि v1 plus v2 जो मेरा होगा वो होगा मेरा approximately nh upon 2 pi capital M R2 equal to nh upon 2 pi small m R1। तो यहां तक क्या बच्चों आपको बात समझ में आ गई कि मैं वो कहना क्या चाहता हूं, ठीक है? Now मुझे पता है small m v1 R1 equal to capital M v2 square by R2। अब बात को समझो, अगर मैं यहां से ऐसा भी तो लिख सकता हूं कि स्मॉल एम बाय कैपिटल एम इज इक्वल टू आर टू बाय आर वन, तो यहां से मैंने लिखा स्मॉल एम बाय कैपिटल एम इनटू वी वन स्क्वायर बाय आर वन, ओके? नाउ यहां पे क्या बचेगा? वी टू स्क्वायर बाय आर टू। स्मॉल एम बाय कैपिटल एम को मैं क्या लिख सकता हूं? आर टू बाय आर वन, आर टू बाय आर वन इंटू v1 square by r1,
इक्वल टू वी टू स्क्वायर बाय आर टू। नाउ आर टू इधर चला जाएगा, आर वन आर वन मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं लिख सकता हूँ वी वन स्क्वायर बाय आर वन स्क्वायर इक्वल टू वी टू स्क्वायर बाय आर टू स्क्वायर। नाउ अगर आप यहां से देखोगे तो स्क्वायरिंग लेकर मैं लिख सकता हूँ वी वन बाय आर वन इक्वल टू वी टू बाय आर टू। तो ये मेरा एक इक्वेशन निकला, इक्वेशन फोर्थ मानता हूँ, लेट्स से मैं इसको क्या माने, इक्वेशन नंबर फोर्थ। ठीक है, तो यहाँ तक आप प्यारे बच्चों एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ के नोट डाउन करिएगा, ऐसे ही मत कर दीजिएगा, लगे तो आप दो तीन बार एक बार देख लीजिए वीडियो को फिर से, फिर लगे आप कंटिन्यू करिएगा। ठीक है नाउ हियर आप समझिए बात को। ठीक है, अगर मैं बात करूं वी वन प्लस वी टू, V1 plus V2 मुझे क्या दे रहा है, V1 plus V2 मुझे दे रहा है n h upon 2 pi capital M small m, लग से पहले small m R1 दे रहा है। अब V2 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, जल्दी बोलो, V2 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ से V1 into R2 by R1, तो V1 को क्या लिख, V2 को क्या लिखा मैंने, V2 को लिखा मैंने V1 R2 by R1 is equal to n h upon 2 pi small m R1। ठीक है, V1 common लिया मैंने, तो V1 common लेने से मैं लिख सकता हूँ R1 plus R2 by R1 is equal to n h upon 2 pi m R1। R1 क्या हो जाएगा आपका cancel, then what is V1, R1 plus R2 क्या हो जाएगा R, n h upon 2 pi small m r। तो यहां तक आपको बात समझ में आई होगी, then this is what, this is your exactly velocity of electron, this is your velocity of electron। again v2 की वैल्यू अगेन मेरे क्या आ जाएगी, देखिए v1 plus v2 equal to n h upon 2 pi capital m r, कैपिटल एम आर लिख सकता हूं मैं। नाउ क्या मैं V1 को लिख सकता हूं, V1 को मैं क्या लिख सकता हूं, V2 प्लस V1 को, V1 को मैंने लिखा V2 R1 बाय R2 प्लस V2 इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई कैपिटल एम आर। ओके नाउ आप फिर V2 अगेन कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे ऊपर R आ जाएगा R1 प्लस R2 बाय R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n h अपॉन 2 पाई कैपिटल M R R R2, सॉरी R2 हो जाएगा ना यहाँ पे, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे R2 लिखेगा M कैपिटल M R2, या स्मॉल M R1 लिखा था कैपिटल M R2 R2 कैंसिल हो जाएगा। R2 कैंसिल होने के बाद तो V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, n h अपॉन 2 पाई कैपिटल M R। तो यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, नाउ दिस इज योर व्हाट, वेलोसिटी ऑफ न्यूक्लियर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो यहां तक आपको बातें क्लियर हो गई होंगी बेटा। ठीक है, नाउ अब आप थोड़ा बात को समझना थोड़ा ध्यान से। ठीक है, वेलोसिटी आ गया अब, लेकिन अभी तक मैंने रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट नहीं निकाला, रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट नहीं निकालने की वजह से फिर से अगेन इक्वेशन हमें पुट करना पड़ेगा, एम वी वन स्क्वायर बाय आर वन इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ओके, अब आपको एम वी वन स्क्वायर का वी वन का आपका वैल्यू पता चल गया, वी वन की वैल्यू कितनी है बेटा, ये आ रही है, तो स्मॉल एम इंटू वी वन की वैल्यू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर इनटू और r1 मैं यहां नीचे ले लेता हूं इज इक्वल टू k z स्क्वायर बाय r स्क्वायर नाउ क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, m और m भी क्या हो जाएगा कैंसिल, देन व्हाट इज r1 हो जाएगा आपका n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर k z स्क्वायर m। और आपको पुरानी वैल्यू क्या मिली थी, रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट की मिली थी क्या बेटा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई जेड के ई स्क्वायर एम। तो याद करिए द
दिस इज योर रेडियस आर वन, आर वन की वैल्यू आ गई। उसी तरीके से आर टू की वैल्यू अगर मैं निकाल लू एम, दिस इज योर आर वन वैल्यू, आर वन की वैल्यू आ गई। अभी मैंने कुछ किया नहीं है, ठीक है, अभी मैंने जस्ट निकालने की कोशिश की है। तो एम वी टू, अब एम वी टू स्क्वायर बाय आर टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अगेन सेंट्रीपेटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नाउ समझना ध्यान से, ये मैंने क्यों किया, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं अगर आपको कंफ्यूजन हो। पहले मैंने वेलोसिटी निकाल ली, वेलोसिटी का मैंने फिर रिलेशन निकाल लिया कि भैया रिलेशन क्या होगा, v1 / r1 का, v2 / r2 का, और सॉरी पहले v1 / r1 का मैंने रिलेशन निकाल लिया v2 / r2 का, फिर यहां से मैंने एग्जैक्ट वेलोसिटी निकाल ली कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की वेलोसिटी क्या आती है, फिर उसको मैंने अगेन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर कर दिया, तो मुझे r1 की मतलब डिस्टेंस पता चल गया सेंटर ऑफ मास का इलेक्ट्रॉन से, और ऐसे डिस्टेंस पता चल जाएगा सेंटर ऑफ मास का न्यूक्लियस से। तो अगर मैं m की कैपिटल m की बात करूं, दिस इज कैपिटल m, कैपिटल m v2 स्क्वायर मेरा क्या होगा, अगेन n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 pi square कैपिटल m स्क्वायर r स्क्वायर, यहां r2 नीचे ले लेता हूं, इज इक्वल टू k z e स्क्वायर बाय r स्क्वायर। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई, r square again मेरे क्या हो जाएगा cancel, m square और capital M cancel हो जाएगा, then what is the value of r2 की value हो जाएगी n square h square upon 4 pi square k z e square capital M। now what is the total value of r, r का value का मतलब क्या होगा, it is the distance of electron to the nucleus, ये तो मेरा radius of orbit होता है, तो मैं लिख सकता हूँ ऐसे सारे चीज मेरी common आ जाएंगे, like n square h square 4 pi square k z e square, ये total common आएगा, except क्या हो जाएगा 1 by m plus 1 by capital M, 1 by small m plus 1 by capital M, और इस part को हम क्या बोलते हैं, mu m बोलते हैं, क्या बोलते हैं, mu m मेरा होता है reduced mass, क्या होता है मेरा reduced mass, basically आप physics में पढ़ोगे आगे जाके detail में, but मैं एक बात बता देता हूँ, अगर मान लो दो पार्टिकल के बीच में कोई कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स जैसे आप बोल सकते स्प्रिंग का फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये सारे क्या होते हैं मेरे कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कहने का मतलब है अगर मान लो मैं एक हाइट से ऊपर जा रहा हूं, ठीक है, तो मुझे अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क डन करना पड़ेगा mgh, लेकिन अगर उसी हाइट से मैं नीचे आता हूं तो वही वर्क कौन करता है, ग्रेविटी करता है मेरे पर। कहने का मतलब यह है कि एक और एग्जांपल से समझो कि अगर अर्थ और मून है, अर्थ और मून के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जिसको हम बोलते हैं F equal to G into m1 m2 by r square, this is gravitational force। लेकिन इन दोनों को हटा के अगर एक मास मैंने लिया, दो पार्टिकल को हटा के मैंने सिर्फ एक मास लिया, तब भी फोर्स की वैल्यू मेरी कोई चेंज नहीं होती, और इसी को हम रिड्यूस्ड मास का कॉन्सेप्ट कहते हैं, ठीक है। खैर वो तो आप डिटेल में फिजिक्स में पढ़ोगे, मेरा मतलब मेरा यहां से थोड़ा कॉन्सेप्ट से था आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट से जो मैंने आपको समझा दिया है। अगर किसी को नहीं समझ में भी आए, जिसको लग रहा बहुत डिफिकल्ट होगा, तो एटलीस्ट फॉर्मूला तो याद रखिएगा, ताकि आपको, क्योंकि इनके ऊपर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बच्चा यही नहीं पकड़ पाता है, क्योंकि ये जनरली कोई टीचर पढ़ाता नहीं है, क्योंकि आप देख ही रहोगे इसका अच्छा खासा लेवल होगा, तो आप समझने की कोशिश करिएगा इन चीजों को, ठीक है, क्योंकि ये प्योरली एडवांस लेवल के टॉपिक्स है, ठीक है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई, देन क्या मैं r को लिख सकता हूं n स्क्वायर h स्क्वायर, क्योंकि ठीक है, अब म्यू एम का एक्चुअली में फॉर्मूला क्या होता है, रिड्यूस मास का एक्चुअली फॉर्मूला जो होता है वो होता है m1 m2 / m1 + m2, m1 m2 / m1 + m2, ठीक है। अब यहां पे अगर आप गौर से देखोगे तो कैपिटल m plus m divided by m, तो it is inverse of mu m, तो मैं क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ 4 pi square k z e square mu m। now ठीक है, आप इस formula को इस formula से compare करो 4 pi k z e square small m, ये पूरा वैल्यू किसके बराबर होता था 0.529 n स्क्वायर बाय z, ठीक है। अब मेरा यहां पे अलग क्या है, h स्क्वायर 4 pi स्क्वायर k e स्क्वायर, ये तो सब है मेरे पास, लेकिन फर्क क्या है मेरे पास, यहां पे मैंने स्मॉल m डिवाइड किया तब मेरा 0.529 है,
लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे लिख दू 0.529 को अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ME से और ऑलरेडी म्यू एम तो मेरा कांस्टेंट है तो अगेन ये मेरा वैल्यू आ जाएगा और एन स्क्वायर बाय जेड। तो दिस इज योर रिड्यूस्ड, ये क्या नाम, रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला को लेके अगर जैसे रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट निकालते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो एन स्क्वायर सॉरी एच स्क्वायर 4πke स्क्वायर एम, इसी का था 0.529 था तो यहाँ पे मेरा m नहीं था तो m मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 0.529 के बराबर ये वैल्यू हो जाएगी। म्यू m ऑलरेडी मेरा कांस्टेंट था, ये मैंने बाहर निकाल दिया n स्क्वायर बाय z, तो ये मेरा रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट निकलता है फॉर मूविंग कॉन्सेप्ट्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात प्यारे बच्चों समझ में आ गए होंगे। नाउ व्हाट इज द एनर्जी कॉन्सेप्ट, En बराबर मेरा क्या होता था माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय 2r, Rn की वैल्यू पुट करिए माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर इनटू ओके 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर म्यू एम। तो अगेन क्या हो जाएगा मेरा, तो मेरा हो जाएगा ये 2, तो 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 म्यू एम बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब याद करिए यहाँ पे मैंने म्यू एम से क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था, लेकिन अगर मैं यह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो याद करिए पुराना जो बोस ऑर्बिट में जब न्यूक्लियस एड्रेस पे जो मैंने निकाला था वो फॉर्मूला क्या था, 2 पाई स्क्वायर k स्क्वायर z स्क्वायर e टू द पावर 4 m बाय n स्क्वायर h स्क्वायर, कुछ ये फॉर्मूला निकला था बेटा। अब ध्यान से समझना, अब बराबर k स्क्वायर n स्क्वायर बाय, हां ठीक है। अब यहां पे देखो यहां पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई था, लेकिन अगर इसी वैल्यू में ये पूरा वैल्यू किसके बराबर आता था 2.18 × 10⁻², सॉरी माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, और इस माइनस 13.6 में एम से डिवाइड कर दू, यहाँ पे 13.6 में एम से डिवाइड कर दू तो एग्जैक्टली ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो माइनस 13.6 इंटू म्यू एम डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, दिस इज एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। आपको नहीं समझ में, फिर से रिपीट करूं, ये पूरी वैल्यू में और इसमें क्या फर्क है, यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड है और यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड नहीं है, और अगर इसको मुझे 13.6 लाना है तो 13.6 को क्या मैं m से डिवाइड कर सका, तो ये मेरी वैल्यू आ जाएगी एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट की। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई बेटा। नाउ अगर मैं बात करूं vn की, याद करिए vn निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, vn निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, vn निकालने के लिए हम ये कर सकते हैं nh अपॉन 2 पाई mvr = nh अपॉन 2 पाई, तो अगेन वही मैं कर रहा हूं mvr = nh अपॉन 2 पाई mrn, तो nh अपॉन 2 पाई m, ठीक है। नाउ स्मॉल m, नाउ rn की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी, मैंने rn की वैल्यू निकाली थी नीचे हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर ऊपर चला जाएगा 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर म्यू एम, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एन एच कैंसिल 2 पाई कैंसिल, द व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट, दैट वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट विल बी 2 पाई के जेड ई स्क्वायर म्यू एम डिवाइडेड बाय एन एच। अगेन पुरानी वैल्यू मैंने क्या थी, vn बराबर था 2 पाई के जेड ई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय nh, यही आता था मेरा फॉर्मूला। अगर मैंने यही यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे अगर मैंने m से डिवाइड कर दिया तो अगेन ये मेरी वैल्यू बराबर हो जाएगी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ vn को 2.18 × 10⁶ into mu m by mass of electron into z by n, so this is your velocity of nth orbit, ठीक है। तो दिस इज योर व्हाट मैंने जो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, तो दिस इज योर एनर्जी। देखो ये सारी कहानी जो थी बेटा
इन इसको डिराइव करने के लिए थी, इन तीनों चीज को डिराइव करने के लिए मैंने सारी कहानी जोड़ी थी। तो आई होप सो यहां तक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, फिर से मैं आपको किक रिवीजन देता हूं। देखो हमने क्या किया था, सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट माना था एट द रेस्ट, ठीक है, तो और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस उसके अलोंग घूमता है, तो उसके अलोंग मैंने क्या किया, अलग अलग बोर्स मॉडल मैंने अप्लाई किया, एक इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई किया, एक न्यूक्लियस के लिए अप्लाई किया। तो पहले जब इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई किया था तो याद करिए m स्मॉल m v1 स्क्वायर बाय इक्वल टू फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स माना था, और दूसरी बात जब न्यूक्लियस मेरा जो बॉडी है क्योंकि उसका भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा, तो उसको मैंने क्या किया था, m स्मॉल कैपिटल m v2 स्क्वायर बाय r r2 is equal to kz square by r, r again मेरा क्या, r radius of the orbit है जो electron और nucleus के बीच का distance बना, तो वहाँ से मैंने mv1 square by r2, r1 is equal to mv2 square by r2 मैंने निकाला था। अब यहाँ से मैंने दोनों को equate करके मैंने क्या किया था, याद करिए आपको थोड़ा बहुत याद होगा, तो मैंने यहाँ से ये चीज किया था कि इसके बाद मैंने v1 plus v2 की value निकाली थी, v1 plus v2 से फिर मैंने v1 by v2 की value निकाली और दोनों को ऐड करके मैंने पहले वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाली, फिर वेलोसिटी ऑफ न्यूक्लियस निकाली, फिर रेडियस ऑफ पहले r1 निकाला, फिर r2 निकाला, दोनों को ऐड करके rn से कंपेयर करा, फिर इस तरीके से रिड्यूस मास के कांसेप्ट पे आते हैं। आई होप सो यहां तक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेडिकल वाले अगर इसको नहीं भी देखेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, उसके जगह पे आप डीपीपी सॉल्व कर सकते हैं, बट एडवांस वालों के लिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट अगर जिसको डेरिवेशन नहीं भी समझ में आया प्यारे बच्चों, फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एटलीस्ट यू शुड रिमेम्बर दिस फॉर्मूला इंक्लूडिंग रिड्यूस मास। ये अब इसमें क्या बात होती है, me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है, म्यू एम आपको हमेशा निकालना पड़ेगा या दिया जाएगा, इनमें से अननोन टर्म क्वांटिटी क्या हो सकती है, vn, म्यू एम, z या n, तो इसमें से ये कोई एक डाटा मिस कर देगा और बाकी डाटे आपको दिए हुए रहेंगे, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते। तो कभी कभी बच्चा घबरा जाता है कि भैया मूविंग न्यूक्लियस भी मूव कर रहा है सर, इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहा है, एज ये तो कोई कॉन्सेप्ट हुआ नहीं, बट एक्चुअली बहुत एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट हो जाते हैं। तो आई होप सो यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, तो यहाँ तक प्लीज एक दो बार वीडियो को वॉच करिएगा अगर आपको पहली बार में नहीं समझ में आती है, तो यू विल गेट आइडिया। सो थैंक यू वेरी मच।